अभी तक सोई नहीं, फल खा रही आधी रात को। टीवी तुमने देखा? वो शालिनी महंगे महंगे गहने पहनकर हमारे सामने कैसे इतरा रही थी ना। सिर्फ गहने पहनने से ही आदमी सुंदर नहीं लगता है, उसके विचार, उसकी सोच दोनों सुंदर होनी चाहिए। खैर छोड़ो, जो भी कहो, पार्टी में तो मजा ही आ गया है ना। यूवी, अगर महीने में एक बार ऐसी पार्टी हो जाए ना तो बस जिंदगी जीने का मजा ही आ जाए। अरे भाई, ऑफिस से भी तो टाइम मिलना चाहिए ना। क्या आप, तुम तो बस जिंदगी भर ना टाइम का ही रोना रोते रहना, बस जब भी कुछ बोलो टाइम टाइम करते रहते। जब देखो तब इस एरिया की लाइट कटी होती है। कौन सी नई बात है, रोज की प्रॉब्लम है। तो माजी बिना आलसी हो जाती, इन्वर्टर नहीं ऑन कर सकती थी। यूवी, इन्वर्टर भी काम नहीं कर रहा है। मतलब माँ न जाने कब से अंधेरे में अकेली बैठी हुई है। माँ, 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 कौन है तू? ए, क्या कर रहा है? कौन है तू? ए, यूवी, ये शायद कोई चोर है, ये देखो हमारा सामान चुरा के भाग रहता है। क्या तो फिर ये बेहोश क्यों पड़ा हुआ है? बेहोश क्यों? माँ, 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 माँ! आपके और पैरों के पंजे और ये खोपड़ी, बस यही बचा है। सचिन, ये देखा तुमने? कैसे? कुछ गड़बड़ है। ये कुर्सी, तेज आग से वो औरत तो जल के मर गई, मगर ये कुर्सी और ये टेबल सही सलामत है। हाँ सर, तो सर यहाँ पे ये किताबें पड़ी हुई हैं, ये सोफे और यहाँ तक कि ये कर्टन्स, कुछ भी नहीं चला, सब कुछ वैसा का वैसा ही है। चलते हुए इस औरत ने अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं की होगी? बस इधर उधर भागी तो होगी ना। चलते हुए आदमी ज्यादा दूर भाग नहीं सकता, कहीं ना कहीं तो जाके गिरेगा ही यहाँ आसपास, और यहाँ कहीं भी जमीन पे जलने का निशान दिख नहीं रहा है, तो फिर इसे जलाया तो जलाया कैसे? इसके मुंह पे और पानी मारो, उठाओ इसे। ए, थोड़ा पानी। बड़ी, इस जगह के चारों तरफ से अलग अलग एंगल से अच्छी तरह फोटो निकालो। आप लोग कहाँ थे जब ये घटना हुई? सर, हम लोग तो बाहर गए थे पार्टी में, पर जब लौट के आए तो देखा कि ये चोर यहाँ बेहोश पड़ा हुआ था सर। और आसपास कोई कैन वगैरह पड़ा हुआ था केरोसिन का? नहीं सर, आसपास कोई कैन नहीं दिखा। आजकल किसी को भी घर पे अकेले छोड़ के जाना खतरे से खाली नहीं है, एक के बाद एक खून होते जा रहे हैं, और इस आदमी ने तो मार के जला भी दिया। सर, इसमें से पेट्रोल की बदबू आ रही है। पेट्रोल की बदबू? हाँ, पानी मारो, उठाओ, उठाओ इसे। ए, ए, अट, अट।
से तो फिर से बेहोश हो गया है। बेहोश होश में नाटक कर रहा है, उठाओ इसे। इसे उठना होगा, कब तक बेहोश पड़ा रहेगा? उठा, उठ। चोर अपने साथ पेट्रोल लेके घूमेगा क्यों? यहाँ घर में कहीं पेट्रोल रखा हुआ? जी पेट्रोल? हाँ पेट्रोल रखा हुआ है घर में कहीं? जी सर। घर में पेट्रोल है? तुम लोग घर में पेट्रोल डालते हो? सर वो तो इमरजेंसी के लिए रखा हुआ था, पर हमें क्या पता था कि वो इसी पेट्रोल से जला दे। कहाँ पे रखा पेट्रोल? स्टोर रूम। स्टोर? चलो दिखाओ कहाँ स्टोर रूम। चलो सचिन, जब तक इसे होश ना आ जाए पानी पिलाते रहो। चलिए सर, वो रहा पेट्रोल का कैन। पेट्रोल की बूत आ रही है। काजल देखो इस कैन पे उंगलियों का निशान है क्या? सर ये खिड़की ऐसे ही खुली रहती है क्या? नहीं सर, ये खिड़की तो हमेशा बंद रहती है। ये देखिए सर, खिड़की का लॉक टेढ़ा है। और अब ये देखिए कुरेदने के निशान। चोर ने यहाँ से किसी धारदार हथियार से ये खिड़की का लॉक टेढ़ा किया और खिड़की खोल दी। हाँ ये देखो जूते का निशान है यहाँ। चोर घर के अंदर खिड़की से घुसा है। बड़ा अजीब चोर है सर, पहले यहाँ से पेट्रोल का कैन लेके गया, आग लगाई और फिर वापस कैन को यहाँ पे ला के रख दिया। उसने कैन को यहाँ पे लाके क्यों रखा होगा सर? कैन तो वहाँ पे भी फेंक सकता था, इतना टाइम कैसे मिला उसे? जैसे आग लगाई भाग कर यहाँ आ गया और फिर वापस भाग के चला गया। या तो ये चोर सरफिरा है या फिर लंगूर है। इस चोर से पूछताछ करते हैं। ये एक नई तरह की बेहोशी है सर, बार बार आंखें खोल रहा है और फिर से बेहोश हो रहा है। और पानी मारो इसके मुंह पे, उठाओ इसे, होश मिलाओ, मारो पानी। ए उठा सर, मुझे तो लगा था कि जिंदगी भर अपनी आंखें नहीं खोलेगा ये। मैं कहां हूं? अभी तक जमीन पे हो, उठना शुरू नहीं किया तुमने। मुझे क्या हुआ ये भी हम बताएंगे। ये कौन सी जगह है? ससुराल है, इसका नाम CID ब्यूरो है। CID? चोरी करने गया था ना वहां पे घर में? हाँ साहब। चोरी करते करते मार दिया उस औरत को? मैंने उसे नहीं मारा। फिर किसने मारा उसे? हमें वहां पे एक पेट्रोल का कैन मिला है, उस पे तुम्हारे उंगलियों के निशान है। लेकिन तब वो औरत पेट्रोल देने चली थी। तो फिर तुमने उस पेट्रोल के कैन को हाथ क्यों लगाया? मैं तो चोरी करने गया था, इधर उधर उसमें हाथ लग गया था। तो तुमने उस औरत को नहीं चलाया? मैंने तो नहीं चलाया था। हाँ लेकिन मैंने उसे जलते हुए देखा था। कमाल है, तुमने नहीं चलाया सिर्फ चलते हुए देखा उसे। तो फिर किसने चलाया उन्हें और कौन था वहां पे? ये तो नहीं मालूम। लेकिन बेडरूम में असली मॉल होगा। बेडरूम कहाँ है दिखता हूं। बेटा तू आ गया, देखना संभाल के बेटा, अंधेरा है।
आराम से बत्ती गई है। इसके पहले मुझे यहाँ कोई देखने मुझे निकल जाना चाहिए। युमी, बहू, तुम ही हो ना? कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? युमी, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जानकर कि मैं घर में अकेली हूं कोई चोर घुस आया हो गली? मैं भी देखती हूं। ये सब देखकर मैं बेहोश हो गया और उसके बाद का मुझे कुछ याद नहीं था। कहानी मत सुना, सच बता क्या किया। मैं तो मामूली सा चोर हूं साहब, मैं उस घर में चोरी करने के लिए घुसा था। मैं क्या किसी को जलाकर मारूंगा साहब? वैसे भी वहां कुछ मिला नहीं, उल्टी मेरी जान आपस में आ गई। जब वो औरत जल रही थी तो यहां वहां भागने की कोशिश नहीं की उसने? मुझे भागने का मौका ही नहीं मिला, दो तीन मिनट में इसका काम तमाम हो गया। नहीं, सिर्फ मोमबत्ती से जलकर वो औरत मर नहीं सकती, बात कुछ और ही है। डॉक्टर साहब, कुछ पता चला ये औरत किस चीज से जल के मरी है? डॉक्टर साहब, कुछ पता चला? क्या दया यार, मैं तुमको बाकी लोगों से अलग समझता था, थोड़ा होशियार समझता था, लेकिन तुम तो बाकी लोगों जैसे ही निकले यार। डॉक्टर साहब, अरे क्या डॉक्टर साहब, ये थोड़ी सी राख ला करके रख दी है, ये हड्डियों के टुकड़े ला करके रख दिए और बोल रहे हो कि बताओ ये औरत कैसे जल के मरी है? ऐसे थोड़ी होता है। तारिका, तुम्हें कुछ पता चला? नहीं सर। फिर मगर सर, अरे मगर क्या है यार? मगर सर, जहाँ पे ये औरत जली थी वहाँ पे हमें पेट्रोल का कैन मिला था, उस चोर के कपड़े से पेट्रोल की बू आ रही थी, तो घूम फिर के तो सुई पेट्रोल पे अटकती है। देखो बॉस, एक बात तो आप सभी लोग भूल जाओ कि ये औरत पेट्रोल से जल के मरी। पेट्रोल से नहीं मरी है ये। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस औरत को पहले मार दिया कहीं और फिर इसे जला दिया गया? नहीं, ऐसा भी नहीं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये पेट्रोल से जल के नहीं मरी? अरे यार, अगर किसी को पेट्रोल से जला के मारेंगे तो सिर्फ उसका शरीर ही क्यों जलेगा, आसपास की चीजें नहीं जलेंगी? टेबल कुर्सी कुछ तो जलेगा, लेकिन वहां तो ऐसा कुछ नहीं हुआ ना। मल, अरे क्या मगर, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा? आओ मेरे साथ, मैं दिखाता हूं तुम्हें, आओ। बस मान लो वो औरत यहां बैठी हुई थी इस कुर्सी पर, जब उन लोगों ने इस पर केरोसिन या पेट्रोल कोई ऐसी चीज डाली जैसा आप लोग सोच रहे हैं। अब हम एक काम करते हैं, इस डमी पर एक ऐसा केमिकल लगाते हैं जो पेट्रोल या केरोसिन से भी ज्यादा तेजी से जलता है, हाईली इंफ्लेमेबल। फिर देखिए, तारिका ध्यान रखना, जरा सा भी केमिकल इस कुर्सी पे टेबल पे नहीं गिरना चाहिए। अब हम लोग इसे आग लगा के देखते हैं, आप लोग जरा पीछे हट जाइए। देखो दया, ये टेबल और कुर्सी भी जल गई है, जबकि तुम बता रहे हो वहां पर कुर्सी नहीं जली थी, राइट? ऐसा हो नहीं सकता है बॉस। अगर इस कुर्सी पर जो औरत बैठी होगी उस पर कोई भी केमिकल, पेट्रोल, केरोसिन कुछ भी डालोगे तो कुर्सी जलनी ही चाहिए। लेकिन सर, वहां पे तो टेबल और कुर्सी एकदम सही सलामत थे सर। वही तो। फिर वो औरत जली कैसे होगी सर? एक तरीका हो सकता है। क्या? अगर 15,000 वोल्ट का इलेक्ट्रिक करंट किसी को लगाया जाए
तो शरीर उसी तरह से जल सकता है। मगर घर में 15,000 वोल्ट का करंट होता है? बिल्कुल नहीं होता बॉस, इसके लिए तो कोई बहुत बड़ा जनरेटर चाहिए। हाँ, उस घर में तो इन्वर्टर के अलावा कुछ था ही नहीं। अब हमें पता कैसे चलेगा कि वो औरत कैसे मरी? बड़े खून तो हुआ है और खूनी भी कोई ना कोई तो हो गई। एक काम करो, शोभा जी के बेटे और बहू को ब्यूरो में लेके आओ, उन्हीं से पूछताछ करते हैं इसके बारे में। सर ये बात तो गलत है सर, अगर आप CID वाले ही चोरों की बात पर विश्वास करने लगेंगे तो आम जनता का क्या? उस चोर ने खून नहीं किया। सर तो फिर खून किसने किया है? या तो वो शोभा जी के आसपास का ही कोई आदमी है या फिर उनका कोई दुश्मन है। दुश्मन? हाँ। मम्मी का कौन, उनका कौन दुश्मन हो सकता है? सोचो, शायद कोई है। हाँ? कहीं उन लोगों ने तो माँ का खून नहीं किया? कौन लोग, किसके बारे में बात कर रहे हो? हाँ? सर कुछ दिन पहले रिया नाम की एक औरत का खून हुआ था सर, माँ उस खून की गवाह थी। और सर माँ उस केस की वजह से बहुत परेशान भी रहती थी। तुम लोग ये बात हमें पहले बता देते तो आसानी हो जाती ना। हाँ? वैसे किस बात को लेकर परेशान थी तुम्हारी माँ? सर जिसने उनका खून किया था वो जेल में है सर, और उन्हीं लोगों के तरफ से बार बार दबाव आ रहा है कि बयान बदल लो। तुम्हारी माँ ने बयान बदलने से मना कर दिया? जी सर। इसीलिए उन्हें रास्ते से हटा दिया। तो नाम बताओ, कौन है बोलो? तुम्हें क्या लगता है इस चेक पर साइन करके मैं तुम्हें दे दूंगा? अरे नहीं, साइन तो तुम्हें करने ही पड़ेंगे, ये कंपनी मेरी बहन की है और इस कंपनी का कर्ज चुकाकर मैं इसको नीलामी से बचाना चाहता हूं। ये कंपनी मेरी है, ये चाहे रहे या नीलाम हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर आप लोग छोड़ दीजिए, देखिए मैं हवालदार को बुलाऊंगा सर। ये जेल है, कोई अखाड़ा नहीं, ये जगह मिली थी? हाँ? क्यों कर रहे थे सर? सर इसने मेरी बहन का खून किया सर। तो बदला लेने के लिए तुम यहाँ पहुंच गए जेल में? सर मैं इसे मारने नहीं आया सर, मैं तो चेक पर साइन करवाने आया था। इसकी सिग्नेचर चेक पे क्यों करवाना चाहते हो? मेरी बहन की कंपनी कर्ज में डूबी हुई है सर, वो नीलामी के कगार पर है। इसने मेरी बहन से शादी करके कंपनी के सारे बैंक अकाउंट अपने नाम पे कर लिए सर, और फिर मेरी बहन का खून कर दिया सर। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, मैंने किसी का खून नहीं किया। तो फिर खून किसने किया है? पूछिए, पूछिए इसे। इसने मेरी बीबी का खून किया और मुझे फंसा कर इस कंपनी को हड़प करना चाहता है। झूठ बोल रहा है सर, झूठ बोल रहा है। ये एक नंबर का खतरनाक आदमी है सर, इसने पहले मेरी बहन का खून किया और उसके बाद दो गवाहों में से एक को मार दिया, और सर ये अब ये दूसरे गवाह को भी नहीं छोड़ेगा सर। ये दूसरा गवाह कौन है? सर ये दूसरा गवाह केशु है, केशु। चलो इन लोगों को लेके जाओ यहां से, चलो बाहर जाइए अब प्लीज। इस केशु पे नजर रखना होगा। ये केशव क्यों बाहर है? सर कहीं ऑफिस तो नहीं जा रहा? चाल ढाल से तो कुछ और ही लग रहा है।
काफी घबराया हुआ है। यस सर। अरे ये तो टैक्सी पकड़ रहा है। जा कहाँ रहा है सचिन? पीछे करते हैं। यस सर। थोड़ा दूरी रहना, इसे पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग इसका पीछा कर रहे हैं। और आंखों से हटना भी नहीं चाहिए, पता नहीं खूनी कब इस पे हमला करते हैं। जा कहाँ रहा है? इसका ऑफिस तो उधर है, इधर कहाँ जा रहा है? मामला गड़बड़ है। ये तो रुक रहा है। रुको रुको सचिन, रुको, थोड़ा आगे रुको। सर लगता है किसी का इंतजार कर रहा है। सर कहीं कोई गर्लफ्रेंड का इंतजार तो नहीं कर रहा है? क्या पता, इसका टाइम कट नहीं रहा लग रहा, काफी चटपटा रहा है। इंतजार कर रहा था। अरे सोच क्या रहा है, 15 मिनट बचे हैं। कुछ लिफाफा दिया उसने। सचिन निकल, तुम इस आदमी के पीछे जाओ जिसने इसे कागज दिया है। विवेक टैक्सी का पीछा करो। जा कहाँ रहा है समझ में नहीं आ रहा, भागे ही जा रहा है। हो गया सीआईडी से बस के जाएगा का? एक काम करो निकल, तुम इधर जाओ मैं यहां देखता हूं। जाओ जल्दी। ये जगह तो हाईवे से बाहर है, इधर किधर जा रहा है? पीछे करो पीछे करो। बस स्टॉप पे आया ये तो।
तो शहर से क्यों भाग रहा है? हाँ, इसकी क्या जरूरत है इसे? सबसे कार में कुछ काला है, हवा निकली हुई है पूरी इसकी। सबको बिठा दो अंदर, मैं आता नीचे दे दो मिनट में। ठीक। आ जा रहे बाबा। चल भाई वानगर वाले आ जाओ। वानगर 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 जा रहे हैं। आठ नंबर चलो दोनों साथ में। अच्छा चलो मैडम, छह नंबर पे। ए सामान पीछे डालने का रे बाबा। चलो देखते हैं वानगढ़ क्या करने जा रहा है। अरे बाबा बाहर निकाल के रखने का ना। आ जाओ 20 नंबर, पांच सीट छोड़ दे। हाँ लेफ्ट वाले में चलो। आ जाओ बाबा, ये पीछे वाले सीट में चलो मैडम। ये मैडम जा रही है ना उसके पीछे वाले सीट में। चलो 16 नंबर। चलो बाबा साहब टिकट। टिकट तो है नहीं, बना दो यार। किधर जाओगे साहब? भानगढ़ जाएंगे, सीट है ना? सीट तो है साहब, पर कितने लोग हैं आप? बस दो लोग हैं, दो लोग हैं। साहब पीछे कॉर्नर वाली है 26-27। कुछ भी चलेगी आप बताओ। चलो साहब बैठो, मैं टिकट बनाता हूँ। चलो बाबा। सर जी टिकट। हाँ जी लो टिकट। चलो सर जी वो पीछे वाला सीढ़ी में जाके बैठो। सर इतना परेशान क्यों लग रहा है? आसपास कुछ खतरा भी नहीं दिख रहा है। क्या हुआ भाई? ड्राइवर कहाँ गया? अरे आ रहा आ रहा बाबा, बैठे रहा, चल रहा है अपन। सर क्या हुआ इसे? ठीक तो ना? मैं उसमें क्यों तुम कर रहा हूँ? क्या तुम्हारे हाथ में? तो
निखिल, इस आदमी ने हमारी आंखों के सामने दम तोड़ दिया। साहब बस में इतने लोग चढ़ते उतरते हैं, अब साहब पता नहीं ये कौन लगा गया सीट के नीचे। ये बस बानगढ़ से आ रही है। जी याद करो उस सीट पे कौन बैठा हुआ था। शायद एक टोपी वाला बैठा था साहब। अच्छा चेहरा देखा उसका? नहीं साहब चेहरा तो दिखा नहीं, वो साहब क्या ना बराबर एकदम अपना सर नीचे किए हुए था साहब। एक मिनट साहब तुमको याद है चेहरा? नहीं मैं तो गाड़ी चला रहा था। अच्छा उतरा कहाँ था वो? अब सर कहाँ उतर गया पता नहीं साहब। अरे यार याद करो ना, बस तो रोकी होगी ना उसके उतरने के लिए, कहाँ पे उतरा था वो? साहब बस तो डिपो में रुकती है, कहाँ उतर गया? और वैसे भी साहब रास्ते में दसियों जगह बस रुकती है साहब। और सामने ऊपर कैमरा लगा हुआ है। अरे वाह ये कैमरा चलता है ना साहब? वो दो साल से लगा हुआ है, खाली दिखने को है साहब, वो चलता नहीं है साहब। कमाल करते हो तुम लोग, जगह जगह बम फट रहे हैं, ठीक करवाओ कैमरा जल्दी। साहब एक कैमरा है वो दरवाजे के उधर गेट के पास, वो चलता है साहब। वो चलता है? हाँ मैं दिखाता हूँ, आओ। विवेक उस कैमरे की फुटेज ले लो। यस सर। मैंने लाशें तो बहुत देखे हैं मगर आज तक हरे रंग का खून किसी भी आदमी का नहीं देखा। या। बस इस आदमी का खून ऐसे ही हरा नहीं हुआ। तो फिर कैसे हो? सल्फर की वजह से। सल्फर? लेकिन सर सल्फर तो हम सबके शरीर में होता है, हमारा खून तो हरा नहीं है। फ्रेडी सर अगर जरूरत से ज्यादा सल्फर हो जाए हमारे शरीर में तभी खून हरा हो जाता है। डॉक्टर साहब इतना सारा सल्फर आया कहां से इसके शरीर में? मैं बताता हूं, इस दवाई की वजह से। कैसी दवाई है ये? तनाव दूर करने की दवाई है बस। किसी को एंग्जाइटी का अटैक होता है तो ये दवाई लेनी पड़ती है, और अगर ये दवाई वक्त पर ना मिले तो उस आदमी को ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। इसके साथ यही हुआ, दवाई वक्त पर मिली नहीं, इसका ब्रेन हेमरेज हो गया और ये मर गया। और हाँ ये दवाई आसानी से नहीं मिलती। वो क्या सर? क्योंकि दवाई काफी खतरनाक होती है, इसे ज्यादा इस्तेमाल करने से खून हरा हो जाता है और मौत भी हो सकती है। शोभा और केशु की मौत की वजह भी ये सल्फर ही है। वो कैसे सर? देखो ये तो हम सभी जानते हैं कि सल्फर तुरंत आग पकड़ लेता है, राइट? मैं आगे की बात बताता हूँ भाई। देखो मैंने इस डमी में पहले से ही सल्फर भर के रखा हुआ है, और यहाँ पे ठीक वैसे ही इलेक्ट्रिक गैजेट और ये तार लगा हुआ है जैसा केशु की सीट के पास लगा हुआ था बस में। और हुआ ये होगा बॉस, जैसे ही केशु सीट पर बैठा उसका ये वाला हाथ इस तार पर लगा और इस तार में से एक चिंगारी निकली जिसने केशु के शरीर में जो सल्फर भरा हुआ था उसमें आग लगा दी और केशु वहीं जल के मर गया। मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ, आप लोग जरा पीछे हट जाइए। देखो दया अब मैं इस रिमोट से इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करता हूँ। ये देखो दया पूरा शरीर जल गया लेकिन इस कुर्सी को कुछ नहीं हुआ। मतलब उस आदमी को भी ऐसे ही मारने का प्लान था? बिल्कुल सर, खूनी कौन हो सकता है जिसने खून करने के लिए इतना दिमाग लगाया? जिसने भी दिमाग लगाया निखिल वो उस बस के अंदर जरूर गया होगा एक गैजेट लगाने के लिए। बस के अंदर जो सीसीटीवी फुटेज जो हमें लेके आए हैं उससे पता चलेगा कि खूनी कौन है। बहुत लोग चढ़ रहे बस में, कौन जाके बैठ गया 11 नंबर की सीट पे, बोलना मुश्किल है। कंडक्टर को तो पता होगा ना, इन्होंने तो देखा होगा उसे। हाँ हाँ सर, एक बार अगर चेहरा मेरे सामने आ गया ना मैं जरूर पहचानूंगा। एक मिनट सर, ये आदमी जो अभी चढ़ा है ना एक बार उसको दोबारा मेरे को दिखा। सर यही आदमी, यही पक्का यही है?
हाँ हाँ सर, मैंने इसके इस कपड़ों से पहचाना है सर। हम इसे कैसे पहचानेंगे, इसका चेहरा तो दिख नहीं रहा। ठीक है, इसे आखिर तक चलो। अरे ये तो उतर गया। सिर्फ कपड़े देख के कैसे पता चलेगा कि ये आदमी कौन है? कंडक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आप जा सकते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो फिर से बुला लेंगे। ठीक है, थैंक यू। इस आदमी को ढूंढने का कोई और ही तरीका निकालना पड़ेगा। आपके दिमाग में कुछ है? फ्रेडी, उस ओमी के पास से हमें सल्फर की गोलियां मिली थी। शोभा के घर चल के पता करते हैं कि शोभा भी ये सल्फर की गोलियां इस्तेमाल करती थी क्या, और अगर इस्तेमाल करती थी तो कौन लाके देता था ये गोलियां? सर, ये माजी की सारी दवाइयां। क्या आप लोग बता सकते हैं कि ये दवाई यहाँ इस डब्बे में कैसे है? सर मुझे नहीं पता, वहाँ तुम्हें पता है? नहीं सर, मैंने ये दवाइयाँ नहीं खरीदी, मैं तो खुद आज इन्हें पहली बार देख रही हूँ। तुम्हें कुछ याद नहीं है और आपने ये दवाई पहली बार देखी, तो फिर ये दवाई इस डब्बे में आई कहाँ से? जरूर फिर से कुछ किया होगा। तुम संभाल के काम क्यों नहीं करती हो? इतनी सारी क्रॉकरी तुमने एक साथ फोड़ दी। घर में कोई और भी है? सर मेड है सर। बुलाओ जरा उसे। सर घर में कोई और भी है? मैंने कुछ नहीं किया, अचानक छूट गई हाथ से। ये अचानक कहां से आ गई? पहले तो नहीं थी? सर ये काम करने के लिए दिन में ही आती है, रात को नहीं आती। शोभा जी की दवाइयों में ये दवाई किसने रखी? मैंने रखी है। क्यों? इनका एक रिश्तेदार आया था, वो बोला ये नई दवाई है, डॉक्टर ने दी है, सो मैंने रख दी। पैसे दिए थे उसने? हाँ सर। कौन सा रिश्तेदार आया था? मालूम नहीं, घर पर आया था। कब? 2-3 दिन पहले। 2-3? मैं कहाँ था उस वक्त? आप तो बाहर थे। था कौन? मैं नहीं जानती सर। दिखने में कैसा था वो आदमी? 27-28 साल का था, थोड़ा हट्टा कट्टा था। और लंबा था? थोड़ा मीडियम था। अच्छा, कुछ और बता सकती है उसके बारे में? गोरा था, काला था, गंजा था, बाल थे, कुछ और? हाँ, उसके हाथ पे कीड़ा था। वो हाथ पे कीड़ा लेके आया था? बिच्छू बना था। बिच्छू बना हुआ था मतलब टैटू बना हुआ था? हाँ सर। वो आदमी जल्दी जल्दी बात कर रहा था? हाँ हाँ सर। छोड़ूंगा, एक बार पता चल जाए कौन है वो, फिर देखना। सर आपके पीछे हाथ धोखा नहीं पड़ गया है? एक एक करके सारे गवाह मार दिए उसने। छोड़ूंगा नहीं। पहले मेरी बीबी को मार दिया, फिर इस केस से जुड़े चश्मदीद गांव को मार दिया। सर ठंडा कर खाइए, गुस्सा करना शैतान का काम है, सब ठीक हो जाएगा सर। कैसे ठीक होगा? हाँ कैसे ठीक होगा? सर आप पहले यहां से बाहर निकलने की सोचिए। तुम्हारे पास यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? जी हाँ। कौन सा? बस आप एक बार इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए, बाकी बात मैं आपको बाहर निकलने के बाद बताऊंगा। क्या लिखा है इसमें? आप खुद ही पढ़ लीजिए। मेरा सर फट रहा है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, प्लीज तुम बता दो क्या लिखा है इसमें। ये आपके जमानत के पेपर्स हैं। ये लो, मैंने साइन कर ली, अब जल्द से जल्द मुझे यहाँ से बाहर निकलो। अच्छा, मेरे सरदर्द की गोली लिखा है? जी हाँ। भला ये कैसे भूल सकता हूँ मैं, लीजिए। थैंक गॉड। लेकिन मनोज, तुम तो कह रहे थे कि ये गोली लेने के बाद मेरा सरदर्द कम हो जाएगा। चिंता मत कीजिए सर, सब ठीक हो जाएगा, आइए आप आराम कीजिए। थैंक यू। सब ठीक तो हो जाएगा ना? सर मैं सब संभाल लूंगा, आप आराम कीजिए। आ, आ, आ,
सर आप लोग यहाँ क्यों? हमें यहाँ देख के हैरानी हुई? नहीं सर, मैंने तो ऐसे ही पूछा सर। रवि को मारने का इंतजाम हो गया ना? मैं रवि जी को क्यों मारूंगा भला? अच्छा, ए, आगे मत बढ़ाओ, मेरे पास रिमोट है, एक बटन दबाऊंगा ना तो रवि भी बाकी को तरह जलकर खाक हो जाएगा। ओ हो, तो जनाब आप ये जो लोगों को अंदर ही अंदर जला के मार देते हैं। हाँ मैं ही हूँ, मैंने कहा ना आगे मत बढ़ो। क्या हुआ, रवि जला नहीं है? हमने रवि को पहले से ही सल्फर का एंटीडोट देना शुरू कर दिया था। मैं अक्सर कंपनी के अकाउंट से पैसे चुराता रहता था। ये बात रिया को पता चल गई और इसलिए वो तुम्हारे खिलाफ केस करने वाली थी। मुझे लगा कि अगर मैं जेल चला गया तो मेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे, इसलिए मैंने रिया को मरवा दिया। और जब रवि इस केस में फंस गया तुम खुश हो गए, सोचा अब जान बच गए। फिर पता चला कि कहीं से दो गवाह सामने आ गए, फिर तुम्हारी जान अटक गई। उसके बाद खून करने के नए तरीके से तुमने एक एक करके सबको ऊपर पहुंचा दिया, मगर रवि बच गया। हमें पता चल गया था कि जो लोगों को मार रहा है सल्फर देकर, उसके हाथ पे एक बिच्छू बना हुआ है। तुम्हारे इस गैजेट के बारे में हमने पहले ही बता दिया था रवि को, और हमने ही कहा था उसे कि तुम्हें फोन करके बोले कि मुझे जेल से छुड़ा लो, समझे? चार चार बेगुनाह लोगों की जान ली है तुमने, अब जेल में बैठ के सड़ना, फांसी का ऑर्डर आने तक।